अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया मुकद्दस यूट्यूब चैनल। आज ही मैं आपके लिए फिर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बोलूँगी, इन्फॉर्मेटिव बोलूँगी, क्योंकि आज हमारे किचन में है फलों का बादशाह मैंगो। जी तो आज मैं इतने सारे मैंगो के साथ क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैंगो आपको पता है सीज़न में खाली एक दो महीने ढाई महीने होते हैं तो फिर ये चले जाते हैं। और मुझे पर्सनली आम जो है वो बहुत पसंद है, और जो जो आम लवर हैं वो कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को आम पसंद है या नहीं। तो आज मैं आपको मैंगो को स्टोर करने का, फ्रीज करने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि मैं हर साल जो है आम को इसी तरह ही फ्रीज़ करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं फ्रीज़ करती तो मैं इसका जो है वो तरीका आपके साथ भी शेयर करूँ, तो जो मैंगो लवर्स हैं वो भी इनको फ्रीज़ करें और जो है आप पूरा साल जो है इसको इंजॉय कर सकते हैं, डिज़र्ट में, शेक्स बनाकर और बहुत सी चीज़ों में जो है वो मैंगो यूज़ होते हैं। तो चलिए इनको, सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था और मैंने इनको ड्राई कर लिया है अच्छे से। ये तकरीबन एक डेढ़ किलो आम, तो यहाँ पर मैं एक मैंगो लूँगी, बाकी को मैं साइड पे कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेट और नाइफ ले ली है। अच्छे सबसे पहले ऊपर से इसको कट करेंगे और इसको बारीकी से जो है इसका ऐसे छिलका उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने दो मैंगोज हैं इनको कट कर लिया है। अब मैं इसमें सेंटर में इस तरह इसकी लगाऊंगी निशान, फिर उसके बाद हम इस तरह करके, हमने इसको ज़्यादा बारीक बारीक इसकी क्यूब्स नहीं बनाने, ठीक है। ये देखिए आपने क्यूब्स, आपको मैं एक उठा के दिखा देती हूँ, आपने इतने क्यूब्स रखने हैं इसके, ठीक है। ये देखिए अगर ज़्यादा आप छोटे छोटे करेंगे ना, ये देखिए ज़्यादा अगर आप छोटे छोटे करेंगे ना तो वो सारे जो है ना मैशी मैशी हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपने बड़े बड़े क्यूब रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका छिलका होता जाता है बहुत ही स्लिपी हो जाता है। ये देखिए इतने बड़े बड़े क्यूब्स आप देखें, ठीक है। इसी तरह मैं सारों को कट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे मैंगो को जो है वो कट कर लिया है, क्यूब्स में कट नहीं किया, बड़े बड़े जो पीसेज हैं उनमें कट किया है। छोटे पीसेज आप मत रखिएगा क्योंकि वो बहुत मैशी मैशी हो जाएंगे और फिर जो है ना बहुत ही यानी कि वो होंगे अजीब से लगेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने ये देखिए जिप बैग की थैलियाँ ले ली हैं, ये आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं। आपने जो नॉर्मल थैली होती है आपने वो नहीं लेनी, आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आपने ना ये वाली थैलियाँ लाजमी लेनी है। मैंने मीडियम साइज़ की ली हैं, ज़्यादा ना बड़ी हैं ना छोटी हैं। तो अब मैं इसमें इसको डालती हूँ मैंगो को, देखिए इसको मैं यहाँ से खोलूँगी। मैं इसमें इसको डालूंगी, ज्यादा आपने ओवरलोडेड नहीं करनी क्योंकि इसको स्पेस देनी है दूसरी के लिए, हमने इसको फैलाना भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जिप बैग में जो है इनको डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून चीनी, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, दानेदार भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दानेदार ली है, ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दिया और आपने इसको यहाँ से इसे बंद कर देना, ठीक है, सही। ये हमारा फैला देना, ये देखिए अब मैंने इसको टाइट से जो है बंद कर दिया यहाँ से। अब ये देखिए बिल्कुल जो है इसके अंदर, अब हम इसको फैला के आपने इसको ऐसे डिश में रखना है। इसी तरह मैं दूसरा पार्सल रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने दूसरे वाले में भी मैंगो डाल के इसमें चीनी डाल दी है और ये भी जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको फ्रीज़र में जो है फ्रीज कर दूंगी। तकरीबन आप इसको एक साल के लिए भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं छोटे छोटे भी बॉक्सेस बनाती हूँ वो जो मैं डेली यूज़ करूँगी, और ये वाले जो है ये मैं इनको बड़े वालों को फ्रीज कर लूँगी, ठीक है, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम तब आराम से निकाल के फ्रेश मैंगो का हम
इसको इंजॉय कर सके। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें। मैंगो में सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, ये ना हो कि आप लेट वीडियो सेंड करें और फिर उसके बाद मैंगो जो है वो चले जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।